आप लोग भी न जाने क्यों इकॉनमी को लेकर, नौकरियों को लेकर सरकार पर दोष मढ़ते रहते हैं। दोष मोदी सरकार का नहीं है, दोष सरकारों का होता ही नहीं है, दोष तो आम जनता का है। अगर आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है तो सुनिए मान्यवर सांसद और मंत्री संतोष गंगवार नौकरियों को लेकर क्या बयान दे रहे हैं। हमारे उत्तर भारत में जो लोग रिक्रूटमेंट करने आते हैं तो वो इस बात का सवाल कर देते हैं कि जिस पद के लिए हम रख रहे हैं उसकी क्वालिटी का व्यक्ति हमको कम मिल रहा है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं पर रोजगार की कमी नहीं रहेगी, इतना ही कर। वाकई जनता मूर्ख है, जनता नाकाबिल है। और मैं तो ये कहता हूं साहब कि जनता का बहुत जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्योंकि गंगवार साहब आपको दूसरी बार जो जनता ने चुना है ऐसी जनता का तो जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर ही हो सकता है। मगर जैसे कि वो कहावत है ना कि अगर जोकर्स को चुनोगे तो देश में सर्कस ही दिखाई देगा, और इस कहावत का संतोष गंगवार जी की पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। अरे संबित बाबू क्या कह रहे हो आप, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, सारे कुछ सारा कुछ लूट गया, हिंदुस्तान बर्बाद हो गया, सब लोग गली पे हैं, सब लोग सड़क पे आ गए, खाने को नहीं मिल रहा है, सारे लोग मर गए, देश बर्बाद हो गया, देश लूट। कंट्रोल संबित बाबू, हम तो कह रहे हैं ना दोष सरकार का नहीं है, दोष है जनता का। और आज बोल के लब आजाद है तेरे में हम यही साबित करने वाले हैं कि दोष आपका है। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। आज न बात मूर्खों की न बात जोकर्स की, आज हम बात करने जा रहे हैं बेबस जनता की। इस लड़की की शक्ल देखिए, हम इसकी पहचान आपको नहीं दिखा सकते, आप जानते कौन है। वो दास्तान याद है आपको बिहार की, शेल्टर होम में न जाने कितनी लड़कियों का बलात्कार किया गया, और इसमें जो ब्रजेश ठाकुर नाम का शख्स था उससे शह मिलती रही नीतीश कुमार के मंत्रियों, नीतीश कुमार के सरकार से। हम आपको बताना चाहेंगे कि इनमें से ये एक लड़की निकली, उसे चार लोगों ने अगवा किया और उसका बलात्कार कर दिया। सबसे पहले इसकी ये बात सुनिए। हम जा रहे थे घर से भाभी के पास सोने, हमको मालूम नहीं था पीछे से स्कॉर्पियो आया, हम बगल गए, उलवाया लो, आकर चट्टे का किया लो, गेट खोल के चट्टे बैठा लिया लो, हमको मालूम नहीं था, चारों आदमी मुंह बाना था। जब कुछ दूर पे हम गए तो उन लोग को दो आदमी को हम दोनों हाथ से अपना मुंह खोल दिए, दो आदमी अपने से मुंह खोल दिया, तब हम पहचान लिए उन लोग को। तो हम बोले कि ये सब यहाँ पे क्या कर रहा है लो, तो हम बोले कोई कह रहा है लो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो चलो जुर्म चल आना। जब कुछ दूर पे आगे ले गया लो, साथ में ज़बरदस्ती करने बाजे बरूलों से हम बाजे, उसका बाद हम थक गए, फिर बोले कि नहीं हमको घर ले चलो, फिर कुछ दूर पर सन घाट के लैपटॉप में ले गया लो, इधर जाके बोला लो कि अगर घर वाला से जाके कुछ कहेगी, जब गलत काम कर लिया लो तो बोला लो घर वाला से जाके कहेगी तो हम तुम्हारा जान मार देंगे, थाना में जाएगी तो तुम्हारा घर वाला को उठवा लेंगे, कुछ नहीं होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं नीतीश जी कि आपकी अंतरात्मा कहाँ है, कहाँ है आपकी आत्मा, कब तक खामोश रहेंगे आप इस तरह से। जी हाँ, बिहार की हम बात कर ही रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में इस शख्स की बात करें, स्वामी चिन्मयानंद। इन पर बलात्कार का संगीन आरोप है, मगर ये आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वो लड़की जिसने फेसबुक लाइव किया था और फिर वो भाग गई थी, जिसे शेल्टर मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, शरण मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उसके पिता ने एक नहीं दो नहीं 43 वीडियो क्लिप्स दिए हैं जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि स्वामी चिन्मयानंद ने उनकी बेटी को यातना दी थी, मगर स्वामी चिन्मयानंद को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और जब मसाजानंद यानी स्वामी चिन्मयानंद की करतूत सामने आने लगी तो इस तरह से खुद को भर्ती करवा लिया। जी हां, एएनआई के कैमरे के सामने देखिए माननीय का इलाज कैसे चल रहा है। और आप कहते हैं कि योगी सरकार का दोष है, अगर आज से एक या दो साल पहले योगी सरकार ने एक अन्य मामले में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ जो बलात्कार के आरोप थे उसे वापस ले लिया, इसमें आप दोष
योगी सरकार का मानेंगे? नहीं साहब, दोष आपका है। आप जानते हैं स्वामी चिन्मयानंद वाले मामले में सबसे बड़े दोहरे मापदंड क्या हैं? इन दो चेहरों को याद कीजिए, आम आदमी पार्टी का पूर्व विधायक संदीप कुमार और हार्दिक पटेल। संदीप कुमार का एक सेक्स वीडियो सामने उभर कर आता है और उसको लेकर मीडिया जबरदस्त कवरेज करता है और आम आदमी पार्टी संदीप कुमार को पार्टी से भी निकाल देती है। हार्दिक पटेल का जो सो कॉल्ड सेक्स वीडियो था, यह तो उनकी अपनी निजी जिंदगी का था, उसमें किसी भी लड़की को यातना देने वाली बात नहीं थी, उसे एक्सप्लॉइट करने वाली बात नहीं थी, मगर इन दोनों वीडियोस को मीडिया ने खुल के खेला था। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से था, मगर स्वामी चिन्मयानंद को लेकर पूरी तरह से खामोशी है। मैं नहीं जानता कौन सा अदृश्य फरमान दे दिया गया है मीडिया को, जिसके जरिए वो इस मुद्दे को उठा ही नहीं रही हैं। और यही स्वामी चिन्मयानंद की जगह अगर कोई मौलवी रहमत अली होता तब क्या होता, या कोई फादर जोसेफ होता तब क्या होता? जी हां, जैसे मैंने कहा ना, दोष मीडिया का नहीं है या दोष सरकार का नहीं है, दोष आपका है। उसी तरह से BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इस मामले को लेकर भी दोष इन छात्राओं का है। मैं जानता हूं कि अपने इस प्रोफेसर को अब लंबी छुट्टी पर BHU भेज चुका है शैल चौबे, ये प्रोफेसर जिन पर एक साल पहले उड़ीसा में एक टूर के दौरान इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने अपनी एक स्टूडेंट के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, अभद्र व्यवहार किया था, उस वक्त सिर्फ इनकी कड़ी निंदा की गई थी। मगर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, महिला स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कह रही हैं कि इन्हें सैक किया जाए, इनके खिलाफ FIR किया जाए। मगर अब भी क्या हो रहा है, इन्हें सिर्फ लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। हालांकि उनका प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, मगर इससे पता चलता है कि इस मामले को लेकर BHU जैसी यूनिवर्सिटी की क्या राय है। और यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस में, और वो बनारस जो किसकी लोकसभा सीट है, बताइए किसकी लोकसभा सीट है, पता है कि नहीं पता है दोस्तों? जी हां, दोष आम जनता का है। अब ये तस्वीर देखिए। इस वीडियो में एक मासूम के सामने उसके बाप को बेरहमी से पीटा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दो लोगों का आपसी झगड़ा हुआ और जिस शख्स को वो मार रहे हैं, दरअसल उसने शराब पी रखी थी। मगर विक्टिम पीड़ित का यह कहना है कि वो महज मुहर्रम के दिन अपने बच्चे को एक मेला दिखाने ले जा रहा था। सवाल ये कि मुद्दा चाहे जो भी हो, क्या इस कदर बेरहमी से एक शख्स को मारा जाएगा? हमने उम्र भर के लिए इस मासूम को मानसिक तौर पर जख्मी कर दिया है। अब हम आपको सुनाते हैं कि उस पिता का क्या कहना है कि उसके बेटे के सामने उसे पीटा जा रहा था। गए थे हम अपने बच्चे को मार्केट कराने, टॉफी वॉफी खरीदने, और बीच में लोग कागज मांगने लगे, कहे पड़ोसे माँ है कागज नहीं है हमारे पास, और कागज ना देने पर हमको जबरदस्ती वो लोग मारने लगे। मगर पुलिस इसमें क्या ट्विस्ट दे रही है? पुलिस ये ट्विस्ट दे रही है कि शख्स ने शराब पी रखी थी। सुनिए क्या कहना है पुलिस का। वहां पर यही बताया जा रहा है कि रामेश्वर शराब के नशे में थे, उसी में बात कर रहे थे। दोस्तों, मैंने सिद्धार्थ नगर के तमाम पत्रकारों से बात की और सबका एक स्वर में कहना है कि पुलिस जो ये आरोप लगा रही है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी गुंडई पर पर्दा डालने के लिए, उस शख्स ने शराब नहीं पी रखी थी। मगर जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि दोष पुलिस का नहीं है, दोष उस पिता का है, दोष उस मासूम का है। वो पिता आखिर अपने बच्चे को क्यों ले गया था मेले में, और वो भी मुहर्रम के दिन, बताइए? दोष तो ऐसे मां बाप का ही है ना। अब हम रुक करना चाहेंगे हरियाणा का। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह है पत्रकार अनूप कुंडू, हिसार हरियाणा में। मैं आपको बताना चाहूंगा, उकलाना एक जगह है और उन्होंने खबर दिखाई थी इनके चैनल STV हरियाणा में। इस खबर में यह बताया गया था कि सरकारी गोदामों में किस तरह से अनाज सड़ रहा है। उस रिपोर्ट की मैं पहले आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं। इसमें नमी की मात्रा इतनी कि बोरियों में बंद गेहूं अंकुरित हो चुके हैं। जैसे ही हमारी टीम इस स्टोरी को कवर कर वहां से निकली कि तभी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के एक अधिकारी का कॉल आया। उसके बाद क्या होता है
कि किस तरह से उसे एक सरकारी मुलाजिम जब वो वापस आ रहा होता है धमकाता भी है। सुनिए, वहाँ बढ़ के दिखाओ आप, अगर आ जाओ फिर आ जाओ, हाँ पूछ के बताओ, पूछ के पढ़ो ना, ये थोड़ा वहीं करते हैं बात। अभी आ रहा हूँ मैं, अब जानते हैं ये धमकी मत दीजिए आप इंस्पेक्टर को, धमकी आप धमकी बात कर रहे हो, मैं गोदाम में कौन बढ़ दूँ? हाँ तो कोई नहीं, फिर धमकी बात कर रहे हो आप। तो अब इस पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया, ये कहते हुए कि इन्होंने फर्जी रिपोर्ट की थी। फर्जी रिपोर्ट? कम से कम मैं ये जानता हूं दोस्तों कि 2014 से पहले अगर इस तरह के गोदामों में अनाज सड़ रहा होता था तो इसे इस तरह की रिपोर्ट करना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं माना जाता था। उल्टा मैं तो सरकार को आमंत्रित करना चाहूंगा, मनोहर लाल खट्टर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि ऐसी रिपोर्ट्स को आप देशद्रोह घोषित कर दें, ट्रीजन घोषित कर दें। क्यों? अच्छा मशवरा है कि नहीं है? तो पत्रकार जब अनाज जो सड़ रहा होता है उस पर खबर करता है तो उस पर FIR कर दी जाती है। अब इस शख्स को देखिए, पवन जायसवाल, इसका गुनाह इतना था कि इन्होंने मिर्जापुर में खबर की थी कि किस तरह से हमारे मासूम बच्चों को मिड डे मील स्कीम्स के नाम पर नमक और रोटी खिलाई जा रही है। आज इनके खिलाफ FIR किया गया है। मिर्जापुर के पत्रकार जो हैं इस पर लगातार संघर्षरत हैं, मगर योगी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। और जानते हैं सबसे दुखद बात यह कि पवन जायसवाल को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। सुनिए, मिड डे मील खबर बनाने के बाद करीब 10 दिन बाद हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया, और अभी मुकदमा लिखने करीब 2 सप्ताह हो चुके हैं। हमारे पत्रकार साथी काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश भर में, और हमारे जिले में भी उच्च अधिकारियों को मंडलायुक्त को लेटर दिया जा चुका है, लेकिन अब तक हमारे ऊपर जो अनर्गल तरीके से मुकदमा लिखा गया था उसको वापस नहीं लिया गया, जिससे पूरी तरीके से मानसिक रूप से मैं परेशान हूँ और मैं अपना काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। यहां पर भी दोष कैसे हो सकता है योगी सरकार का? दोष तो इस पत्रकार का है, इसने हिमाकत कैसे की हमारे बच्चों से जुड़ी खबर करने की? बताइए, ऐसे देशद्रोह का काम ये पत्रकार कैसे कर सकता है? और जानते हैं दोस्तों, अन्याय की, नाइंसाफी की इतनी दास्तानें हैं और खुद मीडिया इन खबरों को लेकर सामने नहीं आ रहा है। मीडिया क्या करना चाहती है? ज्यादा से ज्यादा ऐसी खबरें जहां पर सत्ता की जय जयकार, और आपसे जुड़ी खबरें जो आप पर हो रही नाइंसाफी की बात करते हैं उसे दफन कर दिया जाए, चाहे इसके लिए उन्हीं की बिरादरी के जो बाकी लोग हैं उन पर ही अत्याचार क्यों ना हो, क्योंकि दोष आपका है, सत्ता का नहीं, सरकार का नहीं। मगर हमारा तो फलसफा है कि बोल के लब आजाद है तेरे। नमस्कार। Thank you.